मध्य प्रदेश के सागर में सैनिटरी पैड से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जो अपने आप में हैरत में डालने वाला है। इस नामी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में गंदा सैनिटरी पैड मिलने पर न सिर्फ छात्राओं की तलाशी ली गई, बल्कि इस दौरान उनके कपड़े भी उतरवा दिए गए। इस शर्मनाक घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने कुलपति को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने घटना के बारे में बताते हुए हॉस्टल वार्डन और आउटसोर्सिंग वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च को डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के रानी लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास परिसर में इस्तेमाल किया हुआ गंदा सैनिटरी नैपकिन मिला था। इस घटना से हॉस्टल वार्डन और आउटसोर्सिंग वार्डन नाराज हो गई। ये पता करने के लिए कि खुले में गंदा पैड किसने फेंका है, उन्होंने छात्राओं और उनके कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कमरों की तलाशी तक तो सब ठीक था, लेकिन वार्डन इतने पर ही नहीं रुकी और उन्होंने छात्राओं की तलाशी लेते हुए उन्हें कपड़े उतारने का फरमान भी सुना दिया। खुद को असहाय पाते हुए छात्राओं को ऐसा करना पड़ा। कुलपति ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने छात्राओं को आश्वासन दिया कि 3 दिनों के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी और दोषी पाए जाने पर दोनों वार्डन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उनसे सभी छात्राओं से बोला कि आप सब मेरी बेटियां समान हैं और मैं बहुत दुखी हूं यदि ऐसी घटना हुई है और मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। ये सही है या गलत है, इसके लिए तो इंक्वायरी करवाना जरूरी है, जिससे कि तथ्य सामने आ जाए और इसमें उचित कार्रवाई। ये पूर्ण रूपेण गलत है, ये निंदनीय है, केवल गलत ही नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय भी नहीं है, बहुत ही दुखद घटना। तो वार्डन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे फिर आप? यदि वार्डन को दोषी पाया गया तो कार्रवाई बिल्कुल हो। भले ही मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन इस घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।